हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई एम विलय राजपूत एंड आज मैं आपसे बायोलॉजी सेक्शन पे, मैं जो लास्ट क्लास में मैंने आपसे डील किया था, कुछ ऑर्गेनल की मैंने बात की, कुछ कोशिकांग की बात की मैंने आपसे, और उसमें मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कशन की। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चर को बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या स्ट्रक्चर है। मे बी माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर मैंने इसलिए बताया बिकॉज आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, है ना, बजाय कि मैं आपको डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया बताना स्टार्ट कर दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, पावर हाउस है, थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर समझने से लगता है कि हाँ फीलिंग है, और माइटोकॉन्ड्रिया देखने में भी अच्छा लगता है। अगर आपने मेरा डायग्राम देखा होगा तो आपको लगा होगा हाँ माइटोकॉन्ड्रिया है बहुत अच्छा, क्रिएटिव है बहुत। तो उसके बाद मैंने क्लोरोप्लास्ट की बात की, जो किचन ऑफ सेल होती है ना, जो कि प्लांट सेल में पाए जाते हैं और उसके प्लास्टिड के अंतर्गत आते हैं ये क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तीन प्रकार के मैंने प्लास्टिड आपको बताया था, प्लास्टिड मतलब लवक होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो मैंने आपको समझा तो दिया है, अब बात बची उसमें कि आपको कुछ पिगमेंट्स की बात करनी है। तो देखिए, पिगमेंट्स की बात में आपको प्लांट फिजियोलॉजी आपको पढ़नी है, जितनी रिक्वायर्ड है आपके एग्जाम में। कभी कभी आपने देखा होगा यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि डेजर्ट में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या एडाप्टेशन होती है। तो ये एक तरीके से बायोम का भी क्वेश्चन है और नॉर्मल बायोलॉजी का भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बायोम जैसे हम लोग पढ़ेंगे, जियोम जिसको बोलते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी में, बट नॉर्मल क्वेश्चन ये आए हुए हैं, यूपीएससी की बात कर रहा हूँ मैं। और अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है कि जब आपसे कब पूछा जाए कि बताइए डेजर्ट बायोम में या जेरोफाइट्स जो होते हैं, जेरोफाइट्स जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं रेगिस्तान में, किस प्रकार के अनुकूलन उनके पास होगा, किस प्रकार का अनुकूलन उनके पास है ताकि वो वहां रह पा रहे हैं, ठीक है ना। डेजर्ट में इतनी हाई टेम्परेचर में ज्यादा गर्मी है फिर भी वो रह पा रहे हैं, तो कुछ एडाप्टेशन है, कुछ पत्तियों में एडाप्टेशन उनके अंदर, कुछ स्टोमेटा में एडाप्टेशन उनके अंदर है, उनकी पत्तियों में, पत्तियां थिक हैं, क्यूटिकल है, ठीक है, तो वैक्सी है, ये सारी चीजें हैं स्टेम के बारे में है। तो ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअली बायोम में, ठीक है, बट आपकी कॉन्सेप्ट जो है मैं यहां से बनाता चल रहा हूं, ठीक है। तो वो चीजें डिस्कशन होगी प्लांट फिजियोलॉजी में जितनी होगी, जैसे आपने सुना होगा जाइलम वगैरह का नाम सुना होगा, एसेंट ऑफ सैप का नाम सुना होगा, किसने पल्सेशन थ्योरी दी, कोहेसन टेंशन ट्रांसप्लेशनल पुल थ्योरी क्या है, किसने दिया, डिक्सन जॉली क्या है, स्टीफन हेल्स कौन है, ये चीजों की बात हम प्लांट फिजियोलॉजी में करेंगे, ठीक है, प्लांट की फिजियोलॉजी में, ठीक है। तो वो तो बात की बात है, पहले हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ ले, लेकिन उससे पहले हम लोग सेल कंप्लीट करेंगे। और सेल एक ऐसा चीज है कि आप जानते हो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, तो सेल को आपने नहीं समझा तो फिर कुछ नहीं समझा, सेल के अंदर ही सारा काम हो रहा है एक्चुअली। सेल के अंदर आपने देखा सारे के सारे ऑर्गेनल्स मैंने आपको बना बना के दिखाया, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो, या उसके बाद लाइसोसोम हो, गॉल्जी बॉडी हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो, और बहुत सारे होते हैं, मैं अलग नाम नहीं ले रहा हूँ बिकॉज मैंने नाम लिया नहीं तो आप कहोगे पढ़ा क्यों नहीं रहे हो, बिकॉज वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। सेंट्रोसोम्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोफिलामेंट है, सेंट्रियोल्स जिसको बोला जाता है, सेंट्रोसोम तो सेल डिवीजन में काम आते हैं, तो बहुत सारे और भी होते हैं माइक्रोबॉडीज, मैंने आपको कुछ पढ़ाया है, स्पेरोसोम्स क्या है, लोमोसोम्स क्या है, ग्लाइऑक्सीसोम्स क्या है, इन चीज़ों की मैंने बात की है, लेकिन आपसे उतना नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अभी तक पूछा उतना नहीं गया है। बट ट्रेंड थोड़ी चेंज हुई है एग्जाम की, मैंने उस ट्रेंड को चेंज होते हुए देखते हुए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि काश और हो सकता है कि मे बी क्वेश्चन बन के आ जाए, तो आप निश्चिंत रहेंगे और किताब वगैरह में टाइम इन्वेस्ट ना करेंगे, आप कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है आपको सब कुछ। बात रही बायोलॉजी की, अभी स्टार्ट कर रहा हूं। आज हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट के, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कशन की थी आपसे, उस बात को मैं आपको लिख के दे दूंगा क्योंकि कुछ लोग कहेंगे सर लिख नहीं रहे हो, तो डेफिनेशन लिख दूंगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्य जालिका, EPR की बात हम लोग करेंगे, स्मूथ रफ आप जानते हो, लेकिन आप जो जानते हो थोड़ा सा मैं इनहांसमेंट करूंगा उस नॉलेज में, वो बात की बात है करते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने साइंस टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया था, साइंस टेक की वीडियो मैंने रोक के रखा था, और जो दो तीन दिन वीडियो नहीं आई है मेरी, मैं उसको कंपनसेट कर दूंगा, मैं पर डे अभी आने वाले समय में एक दो दिन में दो दो तीन तीन लेक्चर डाल दूंगा ताकि जो गैप हुई है वो कंपनसेट हो जाए, ठीक है। इसमें लेक्चर में कमी नहीं आएगी, लेक्चर जो गैप हुई है उसको मैं कंपनसेट कर दूंगा, ठीक है, लेक्चर ज्यादा डाल के पर डे। वो हो गया साइंस टेक्नोलॉजी में, एनर्जी का लेक्चर आपको आगे बढ़ा के दे रहा हूँ, मैंने रिन्यूअल एनर्जी की डिस्कशन की है, आगे आने वाली है, आप लोग तैयार रहिएगा मेंटली। रिन्यूअल एनर्जी आप पढ़ सकते हो, पढ़ लेना, बिकॉज जितना आप अंडरस्टैंडिंग रखोगे, थोड़े बार जानकारी रखोगे उन टर्म्स के बारे में, तो आपको समझने में आसानी होगी, अदरवाइज मैं समझा तो दूंगा ही दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपके ऊपर है, ठीक है। आप अगर पहले से पढ़ के रखे हुए हैं तो आपको अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, आपको पता चलेगा मैं किस तरीके की नॉलेज दे रहा हूं, इसीलिए थोड़ा सा पढ़ के देखना, किताब जो भी आपको हो पढ़ के देख लेना।
और फिर जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैंने क्या पढ़ाया, कितनी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग आपको देने की कोशिश की है, ताकि आप मेंस में अच्छा राइटिंग लिखे, है ना, आंसर राइटिंग आपकी अच्छी हो, अच्छा पॉइंट्स, अच्छे फैक्ट्स, अच्छे कॉन्सेप्ट्स, अच्छे लिंकिंग के साथ आप आंसर को लिखे, है ना, तो वो चीज़ें आप मेंस में कर सकते हैं। इसलिए मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट मेरी बातों को ध्यान रखना, जब मैं कभी कभी बोलता हूँ लिखता नहीं हूँ उसको लिख लिया करना, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ें अगर लिखने लगूँ तो टाइम वेस्ट होगी, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे, बाकी चीज़ें आप नोट भी कर सकते हो। तो लास्ट क्लास में मैंने बात की थी C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम प्लांट, मैंने बता तो दिया था बट आपको डेफिनेशन नहीं दी, डेफिनेशन दे देता हूँ। ये प्लांट्स आप जानते हो, C3 प्लांट जो होते हैं, नॉर्मली जो आप प्लांट्स देखते हो, जो भी वातावरण में, एनवायरमेंट में जो भी प्लांट्स आप देख रहे हो, नॉर्मली 80-85% 90% तक प्लांट जो होते हैं ये C3 प्लांट होते हैं, ठीक है। उसके बाद C4 प्लांट होते हैं, जैसे मैंने आपको गन्ना की एग्जांपल दी थी, शुगर केन, आजकल जूस भी चल रहा है, गर्मी आ चुका, और मेज मक्का जो होती है ये C4 प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और एक कैम प्लांट होते हैं, वो कैम प्लांट डेजर्ट में पाए जाते हैं नॉर्मली, जो गुदेदार होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो वाटर को स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि आप जानते हो एलोवेरा एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बहुत सारा दिया था। एलोवेरा से आप अच्छी फीलिंग करोगे क्योंकि एलोवेरा हर किसी के घर के आसपास मिल जाता है, तो वही है, डेजर्ट में पाए जाते हैं, क्यों, गुदेदार होता है एलोवेरा, गुदा होता है उसके अंदर में, उसके अंदर में चिपचिपे आपने देखा होगा कि वाटर स्टोर करके रखा गया है वो, उसका हम लोग लेप भी यूज करते हैं ना, जेल के फॉर्म में, स्किन में पिंपल्स रिड्यूस करता है, एंटी इंफ्लामेटरी होती है, वो अलग बात है जो हम लोग न्यूट्रिशन में बता दूंगा आपको एलोवेरा का फायदा क्या है। लेकिन उसके बाद अब मैं आपको बताऊं तो ये कैंप प्लांट जो है डेजर्ट में पाए जाते हैं, ठीक है, नॉर्मली जीरो फाइट्स होते हैं जो मरुस्थलीय एरिया में पाए जाते हैं, और ये तीनों के तीनों प्लांट्स का आपका यूज, अभी तो आप उसकी जानकारी ले रहे हो, लेकिन ये प्लांट्स कहाँ पाए जाएंगे, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये हम लोग बायोम में पढ़ेंगे, जब इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ेंगे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। और आज ही आपको थोड़ा सा आकलन लगाना है, ये आप पे मैं छोड़ूंगा, जब एनवायरमेंट इकोलॉजी लेके आऊंगा तब तक आपको आंकड़ा लगाना है कि जो मैं C3 प्लांट की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, C4 के लिख रहा हूँ, कैम के लिख रहा हूँ, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ हो सकता है, ये आपको आंकड़ा लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं C3 प्लांट्स, ये पहले कंप्लीट कर दूं डेफिनेशन, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। EPR अंतर्द्रव्यीय जालिका, C3 प्लांट्स जो नॉर्मल आपको प्लांट दिख जाते हैं, ठीक है, केल्विन साइकिल के नाम से जाना जाता है। C3 प्लांट्स में थोड़ा सा और समझ लो, देखिए प्रॉब्लम है C3 प्लांट जो है, मैं क्यों नाम C3 है ये मैं अभी बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है जो प्लांट्स है ना, फोटोसिंथेसिस जो मैंने आपको समझाया था, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण मैं आपको समझाऊंगा, फिजियोलॉजी में भी समझना आपको, और एनवायरमेंट इकोलॉजी में प्रोडक्टिविटी की बात होगी, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है ना, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इन चीजों की, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इनकी जब बात होगी तो प्रोडक्टिविटी, अगर ऑटोट्रॉफ्स में और प्रोड्यूसर में आप प्रोडक्टिविटी की बात करते हो, प्रोड्यूसर्स जो प्लांट होते हैं, ऑटोट्रॉफ जो होते हैं, तो फिर वहां पे आपको फोटोसिंथेसिस की हेल्प लेनी पड़ेगी, वहां पे फोटोसिंथेसिस ही मेन खेल है, सब कुछ फोटोसिंथेसिस है, सारी डिपेंडेंसी फोटोसिंथेसिस पे ही है सारे ऑर्गेनिजम्स की। तो बात यह है कि फोटोसिंथेसिस में, अभी सुन लो मैं पढ़ाऊंगा, दो रिएक्शन होती हैं, कितना आपके एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी, आज खोल कर दिखाओ अपने आप को कि हमें कितना एब्जॉर्ब कर सकता हूं जो मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है, और बाकी मैं फोटोसिंथेसिस लिख के दूंगा, सब कुछ दूंगा। फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर में ऑक्सीजन रिलीज होता है, लाइट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है जिसके अंदर में ऑक्सीजन रिलीज होता है, लेकिन लाइट ही रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके अंदर में ATP का सिंथेसिस भी होता है और NADPH भी बनता है, ठीक है। लाइट रिएक्शन जो अगर बताऊं तो लाइट रिएक्शन में ATP भी बनता है, ठीक है, और NADPH, ये मैं फुल फॉर्म क्यों नहीं बता रहा हूं, ये फुल फॉर्म अगर निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट के नाम से जानी जाती है, फिर भी वो आपको नहीं रखना है, इतना ध्यान रखना है ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी करेंसी है, ये लाइट रिएक्शन में बनते हैं। लाइट रिएक्शन दो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, लाइट रिएक्शन में ये दोनों बनते हैं, और ये जब दोनों बनेंगे तो ये यूज होंगे कहां, डार्क रिएक्शन में, फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन में यूज होंगे, ये बनते हैं लाइट रिएक्शन में, ठीक है, लाइट रिएक्शन में, प्रकाश अभिक्रिया में, और ये दोनों जो बनेंगे वो फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन में जाके यूज होंगे, क्योंकि डार्क अभिक्रिया ही वो अभिक्रिया होती है जिसके अंदर में CO2 का फिक्सेशन होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जानते हो ना लेते हैं पौधे स्टोमेटा से, नहीं स्टोमेटा पता है बताऊंगा समय आएगी तो CO2 जो एब्जॉर्ब करते हैं ना उसको फिक्स करना पड़ता है, क्योंकि उसको आपको जानते हो कि कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं पौधे, ग्लूकोज बनाते हैं, तो भाई CO2 को फिक्स करना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, CO2 फिक्सेशन जो होती है डार्क रिएक्शन में होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है, लाइट रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता है, लाइट रिएक्शन में सिर्फ ये दो बनते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो रिलीज होती है वो लाइट रिएक्शन में होती है, ATP बनेगा, ये बनेगा और ऑक्सीजन रिलीज होगा लाइट रिएक्शन में, तो ऑक्सीजन तो रिलीज हो गया पर्यावरण में, ठीक है, अच्छी बात है,
लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, उत्पाद जो है, ये उत्पाद चाहिए डार्क रिएक्शन को चलाने के लिए, फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन को चलाने के लिए ये उत्पाद चाहिए। और जब ये मिलेगा तभी डार्क रिएक्शन चलेगी और तभी CO2 को फिक्स करेंगे कार्बोहाइड्रेट के अंदर। फिक्स मतलब कि कार्बोहाइड्रेट में चेंज होगी, CO2 अलग अलग पाथवे से जाएगी और वो C6H12O6 यानी ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डार्क रिएक्शन का प्रोसेस है वो, ठीक है, ये आप समझ गए। इतना ध्यान रखना, बाकी मैं आपको बताऊंगा कि क्या रिडक्टिव प्रोसेस कौन सी होती है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस कौन सी होती है। लेकिन मैंने लास्ट क्लास में आपको फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया लिख के दी है कि CO2 है प्लस वाटर है, क्लोरोफिल और लाइट के रिस्पॉन्स में, लाइट के प्रेजेंस में आपने देखा कि उसमें C6H12O6 बन रहा था और ऑक्सीजन रिलीज हुई और वाटर भी निकला। लेकिन ये कंप्लीट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को एक साथ दिखाने का वो तरीका है जो मैंने रिएक्शन लास्ट क्लास में लिख के दिया है। एक साथ दिखाते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया को, लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों को। लेकिन एक्चुअली दो रिएक्शन अलग अलग होती है, लाइट रिएक्शन के उत्पाद बनते हैं तब जाके वो उत्पाद यहाँ पे यूज होते हैं डार्क रिएक्शन में, तब डार्क रिएक्शन चलती है और CO2 को कार्बोहाइड्रेट में बदलती है, ठीक है। CO2 फिक्स होते हैं, कार्बन एसिमिलेशन होते हैं, लेकिन उसके लिए हमको ATP चाहिए, NADPH चाहिए। तो जब तक लाइट रिएक्शन, अगर लाइट रिएक्शन नहीं है तो शायद डार्क रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि डार्क रिएक्शन के लिए डार्क रिएक्शन बैठा हुआ है, ATP तो दो, NADPH तो दो, तो वो लाइट रिएक्शन देगी, तब मिलेगा इनको, तब ये आगे बढ़ेंगे, अपनी रिएक्शन करेंगे और CO2 को फिक्स करेंगे कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। तो ये तो बात की बात है, आप समझ चुके हो, बाकी मैं आपको, इतना ध्यान है ना तो आपको बाकी आगे मैं समझाऊंगा। अभी तो सेल पढ़ा रहा हूं, अभी घुसना सही नहीं रहेगा कि फोटोसिंथेसिस में घुस जाऊं, बिकॉज आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस पे क्वेश्चन आ चुका है तो मुझे वो भी थोड़ा बहुत बताना है आपको, ठीक है। बट इतना से अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर है कि भाई यहाँ दो रिएक्शन है, लाइट है डार्क है, ऐसा ऐसा बन रहा है, ऐसा ऐसा यूज हो रहा है, फिर CO2 कार्बोहाइड्रेट में बदल रहा है। C3 प्लांट्स देखो, C3 प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? C3 प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं दैट प्रोड्यूस ए 3 कार्बन कंपाउंड। क्या करते हैं ये? तभी नाम है C3, 3 कार्बन के कंपाउंड को प्रोड्यूस करते हैं, तभी नाम है C3 दैट प्रोड्यूस ए 3 कार्बन कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है अगर नहीं पता है तो इंतजार कीजिए, केमिस्ट्री में समझाऊंगा, केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, अभी स्पीड अप कर दूंगा, लेक्चर्स बहुत आने लगेंगे, 3-3, 4-4 लेक्चर पर डे डाल दूंगा, कंप्लीट तो करके ही मानूंगा, और क्वालिटी ऑफ लेक्चर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, क्वालिटी एक नंबर आएगी लेक्चर की, कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है इंटरलिंकिंग करके वो आपको मिलेगा, ठीक है। दैट प्रोड्यूस अ 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एज द फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस। 3 कार्बन कंपाउंड का नाम क्या है लिख लो, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये है 3 कार्बन कंपाउंड, इसी के नाम पे पड़ा है C3 प्लांट, 3 कार्बन कंपाउंड है। इसीलिए कब प्रोड्यूस होता है? एज द फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस। कब होता है? एज द फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होता है, तो फोटोसिंथेसिस के पहला स्टेप जो होगा, पहला स्टेप, बहुत सारे स्टेप होते हैं, पहले स्टेप में ही ये बनता है और इसी के आधार पर नाम दिया गया C3 प्लांट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस पाथवे ऑफ कार्बन फिक्सेशन, फोटोसिंथेसिस पाथवे ऑफ कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्स कहां होता है, इसलिए मैंने बता दिया, कार्बन फिक्स कहां होता है, डार्क रिएक्शन में, इसीलिए मैंने बताया। क्यों बताया? क्योंकि ये डेफिनेशन समझाने के लिए कि पाथवे ऑफ कार्बन फिक्सेशन समझाने के लिए कार्बन फिक्सेशन यानी कि डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में कार्बन फिक्स नहीं होती है, आपको पता है, मैंने समझा दिया, पाथवे ऑफ कार्बन फिक्सेशन, कार्बन जो है CO2 फिक्स होगी, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा जो आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बन फिक्सेशन देन कॉमन इन प्लांट्स, कौन से प्लांट में कॉमन है? कॉमन इन प्लांट्स एडाप्टेड, अपने आप को एडाप्ट किए हुए हैं, एडाप्टेड कहां पे किए हुए? एडाप्टेड टू लो टेम्परेचर, ऐसा एनवायरमेंट जहां पे लो टेम्परेचर है, एडाप्टेड टू लो टेम्परेचर। अब आपको यह पता करना है, ये तो बायोलॉजी है, अब आपको यह पता करना है कि कौन सी बायोम में ये प्लांट पाए जाएंगे। आप जानते हो नॉर्मल जो प्लांट C3 प्लांट्स होते हैं, वो नॉर्मल प्लांट जब देखते हो ना वो C3 प्लांट्स ही है, जो भी नॉर्मल प्लांट देखते हो आप। लेकिन मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको समझा भी दिया है कि C3 में कौन आते हैं, C4 में कौन आते हैं, लेकिन नॉर्मल 80-85% जो पौधे होते हैं वो C3 होते हैं, ठीक है। तो लो टेम्परेचर में बन रहे हैं और एवरेज लाइट कंडीशन एंड एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड और एवरेज लाइट कंडीशन, लाइट कैसी है? एवरेज,
सनलाइट की बात कर रहा हूं, सनलाइट, ये लाइट मत सोच लेना, एवरेज लाइट कंडीशन होना चाहिए एंड एडिक्वेट वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई क्या, ना कम ना ज्यादा, एडिक्वेट है, ठीक है, एडिक्वेट वाटर सप्लाई। ये सब चीज जानने से आपको बायोम वगैरह समझने में आसानी होगी, अदरवाइज बायोम लोग समझा नहीं पाते हैं। बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि भैया बायोम समझाइएगा थोड़ा अच्छे से, तो इसके लिए प्रिपेयर अभी चल रही है, बायोलॉजी भी पढ़ रहे हो, इसकी कॉन्सेप्ट भी आगे यूज होने वाली है एनवायरमेंट इकोलॉजी में। तो देखिए, दैट प्रोड्यूसेस ए थ्री कार्बन कंपाउंड, ऐसे प्लांट होते हैं जो थ्री कार्बन के कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये नाम है। पहली स्टेप में ही प्रोड्यूस होगा, उसी के आधार पर नाम है C3, ठीक है। उसके बाद पाथवे ऑफ कार्बन फिक्सेशन, कार्बन फोटोसिंथेसिस में दो पाथवे आपको जानते हो, दो स्टेप है, एक तो लाइट रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में कार्बन फिक्सेशन होता है, तो उसकी बात कर रहा है। कौन सा पाथवे, डार्क रिएक्शन में जब कार्बन फिक्सेशन हो रहा होगा उसकी बात कर रहा है। तो फोटोसिंथेसिस पाथवे ऑफ कार्बन फिक्सेशन कॉमन इन प्लांट्स, कौन से प्लांट्स में होता है नॉर्मली, जो एडाप्ट करते हैं अपने आप को लो टेम्परेचर पे, एवरेज लाइट कंडीशन पे एंड एडिक्वेट वाटर सप्लाई। एडिक्वेट वाटर सप्लाई जो होता है नॉर्मली, आपको जो नॉर्मल है, ठीक है, ज्यादा नहीं है ना कम है, वहां के लिए ये सारे एडाप्टेड होते हैं, ठीक है। बाकी C4 प्लांट की बात करते हैं, इनका जिक्र मैं बायो में भी करूंगा, जो ऐड करना होगा वहां पे ऐड करूंगा। बायोम से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, मेंस में आ जाएंगे कि बताइए ट्रॉपिकल बायोम के बारे में बताओ, है ना, चैपरल्स बायोम के बारे में बताओ, है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, स्क्रब फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ उसकी बताओ, मेडिटेरियन बायोम के बारे में बताओ, तो बहुत सारे हैं, सवाना बायोम के बारे में बताओ। सवाना ग्रासलैंड नहीं है एक्चुअली, है ना, ये आओगे बायोम में समझाऊंगा। सवाना ग्रासलैंड जो बोलते रहते हो ना, अभी कंफ्यूजन है लोगों को, क्योंकि नॉर्मल बुक्स लिख के बैठी हुई है, गलत सही लिख के बैठी हुई, तो क्या कर सकते हो, ठीक है। और अब किस बुक से मैं पढ़ाऊंगा, बहुत सारे बुक्स मैंने पढ़ा है, तो उसमें से मैं आपको एक तो आज दिखाई दूंगा कि एनवायरमेंट इकोलॉजी में कौन सा बुक यूज करूंगा आपके कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करने के लिए। C3 प्लांट, अब C4 प्लांट पे आते हैं, ठीक है, C4। अब C4 प्लांट क्या है, आपने बताया था, मैंने बताया था मक्का वगैरह गन्ना वगैरह, आप जानते हो मक्का गन्ना ये। इसमें क्या है, इसमें ऐसा खेल है कि C4 प्लांट जो होते हैं, दैट प्रोड्यूसेस ए 4 कार्बन कंपाउंड, क्या करते हैं ये 4 कार्बन के कंपाउंड, दैट प्रोड्यूसेस ए 4 कार्बन कंपाउंड। मैलिक एसिड है 4 कार्बन कंपाउंड जो यहां बनता है, और एस्पार्टिक एसिड बोलते हैं, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, ये 4 कार्बन कंपाउंड है, बस अंतर इतना ही है। अब बाकी अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां होगा आप देखो, तो 4 कार्बन कंपाउंड है मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड, एज द फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस, एज द फर्स्ट स्टेप, पहली स्टेप में ही है, दोनों में वही बात चल रही है, एज द फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस पाथवे ऑफ, पाथवे कौन सी पाथवे, कार्बन फिक्सेशन, डार्क रिएक्शन में जो होता है फोटोसिंथेसिस पाथवे ऑफ कार्बन फिक्सेशन। अभी मैंने फोटोसिंथेसिस समझाया नहीं है, ये लिख के बताऊंगा सब कुछ समय आएगी, तो ये समझाने के लिए C3 प्लांट में आ रहा था, C4 में आ रहा था, तो मैंने थोड़ा बता दिया आपको। कार्बन फिक्सेशन कैसा, फोटोसिंथेसिस पाथवे ऑफ कार्बन फिक्सेशन कॉमन इन प्लांट्स, कैसे प्लांट में कॉमन है, कॉमन इन प्लांट्स वो एडाप्ट किए थे अपने आपको लो टेम्परेचर में, C4 वाले है ये हाई टेम्परेचर में, एडाप्टेड टू कैसे, वो लो थे ये हाई टेम्परेचर है, इतना ध्यान रखना है, वो लो थे ये हाई टेम्परेचर है, एडाप्टेड टू हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग लाइट, लाइट जो है सनलाइट की बात कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग लाइट होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग लाइट कंडीशन है। उनका कैसा था, उनका एवरेज लाइट था, औसत लाइट थी, और यहां पे स्ट्रॉन्ग लाइट है, वहां पे एडिक्वेट वाटर सप्लाई थी, हाँ ठीक है, वाटर सप्लाई ठीक है C3 प्लांट में, हाँ ठीक मिल रहा है भैया, वो एडिक्वेट है। यहां पे है कि इनको वाटर सप्लाई जो है वो लो वाटर सप्लाई कंडीशन की बात है, कि जब लो वाटर सप्लाई कंडीशन मिल रही है इनको, तो C4 प्लांट आएंगे और ऐसी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करेंगे जिसमें C4 कार्बन कंपाउंड बनेगा, पहली फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस में लो वाटर सप्लाई, ठीक है। अब ये आपको ढूंढना है कौन सा बायोम में घुसोगे, कौन सी बायोम में कि हाई टेम्परेचर है, स्ट्रॉन्ग लाइट वहां पे पड़ती होगी, वाटर सप्लाई कम है, उस हिसाब से उस बायोम में ये प्लांट्स मिल जाएंगे। तो आप सोच सकते हो कि बायोम कैसे आप समझ सकते हो, जब तक ये सब नहीं समझोगे कैसे समझोगे, प्लांट्स ही तो हैं। टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन दो मेन फैक्टर है,
बायोम से एक बायोम को दूसरे बायोम में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, भैया ये फलाना बायोम, ये ठिकाना बायोम, ये ना ये फलाना बायोम है, तो वो किस आधार पर बोलते हैं? तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के आधार पर वहां के बायोम के अंदर पौधे का डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग एनिमल्स पाए जाते हैं, उसके आधार पे ये बायोम में ये प्लांट है, ये एनिमल है, ये बायोम में ये प्लांट है, ये एनिमल है। तो क्यों भैया बायोम बदल रहा है? क्यों? क्योंकि पूरे की पूरी आप देखोगे पृथ्वी को, तो ट्रॉपिक से लेकर पोल तक लाइट कंडीशन क्या है आप जानते हो, ट्रॉपिक्स पे क्या है, वर्टिकल है, पोल पे क्या है, स्लैंटिंग लाइट है, सनलाइट की बात कर रहा, उसके हिसाब से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, तो उसके हिसाब से ये सारी कंडीशन मिलेगी, तो उस हिसाब से बेचारे ये प्लांट्स वैसे वैसे स्थान पे, वैसे वैसे प्लेस में, वैसे वैसे एरिया में पाए जाएंगे पूरी पृथ्वी पे। तो वो आपको बायोम के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। अब बचा कैम प्लांट। कैम प्लांट क्या होता है? क्रेसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म बोलते हैं कैम को, और क्रेसुलेसी फैमिली होती है, आप जानते हो परिवार के सदस्य होते हैं, अलग अलग परिवार होती हैं पौधों के, उनके सदस्य हैं, तो क्रेसुलेसी फैमिली है, उन फैमिली के अंदर जो पौधे आते हैं उनके अंदर जो चलता है वो चलता है क्रेसुलेसियन एसिड मेटाबोलिज्म पाथवे, ठीक है ना, ये चलता है उसके अंदर। तो कैम प्लांट की बात कर रहे हैं, कैम प्लांट, कैम एग्जाम्पल वही जो मैंने दिया एलोवेरा एग्जाम्पल के तौर पे, बाकी लास्ट क्लास में मैंने ओपनसिया की बात की थी, आपको बताया था मैंने ब्रायोफाइलम की बात की थी, ठीक है, तो वो रिपीट करने की कोई मतलब नहीं है। इतना आप समझना कि भैया ये रेगिस्तानी क्षेत्र में मिलेंगे और ये गुदेदार होते हैं, इसके अंदर में वाटर स्टोर करके रखने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि गर्मी ज्यादा है तो वाटर स्टोर करते हैं, तो एलोवेरा देखते हो ना कितना उसमें जेल होता है उसके अंदर, तो वाटर स्टोर करने का एक तरीका ही तो है, जेल के फॉर्म में स्टोर किया हुआ है एलोवेरा। तो कैम प्लांट्स की बात करें तो कैम प्लांट क्या है? क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म मेथड ऑफ CO2 फिक्सेशन, ठीक है ना, फुल फॉर्म क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं? एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, है ना, उपचय आपने नाम सुना होगा, उपापचय नाम सुना होगा, तो मेटाबॉलिज्म पूरी की पूरी जो बॉडी के अंदर रिएक्शंस चल रही हैं, क्या ना केमिकल रिएक्शंस, एक्चुअली बॉडी में केमिकल रिएक्शन चल रही है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम की सहायता से। तो मेटाबॉलिज्म में कुछ चीजें बनती हैं, कुछ चीजें बनती हैं, कुछ चीजें टूटती हैं, जैसे कुछ चीजें बनती है फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट बन रहा है तो वो एनाबॉलिज्म है, और रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट टूट रहा है तो वो कैटाबॉलिज्म है। तो कुछ चीज बनती है, कुछ चीज टूटती है बॉडी के अंदर, सबको मिला के मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, है ना। इसमें क्या है कि ये मेथड ऑफ CO2 फिक्सेशन, ये ऐसा मेथड है, मेथड ऑफ CO2 फिक्सेशन। इसमें क्या है, देखो CO2 के लिए स्टोमेटा मैंने आपको समझाया नहीं है, बट इतना समझ लो कि पत्तों को देखोगे तो उसमें पोर्स होते हैं, वो पोर्स के माध्यम से पोर्स खोलते हैं दिन में पौधे, और अपने पत्तों का पोर्स के थ्रू जो छिद्र होता है उनके अंदर, उसके थ्रू CO2 को ले लेते हैं, वो दिन में होता है, स्टोमेटा खुलती है, नॉर्मल प्लांट्स में दिन में ही स्टोमेटा खुलता है। ये बोलते हैं कि भैया हम रहते हैं रेगिस्तान में, हमने अगर दिन में अपना स्टोमेटा खोला, मतलब अपना छिद्र खोला पत्तों के ऊपर का छिद्र, तो हमारी कुल वाटर ही लॉस हो जाएगी, इवेपोरेट कर जाएगी हमारी बॉडी की। तो भैया इन्होंने बोला नहीं 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 बहुत हाई टेम्परेचर में रहता हूं, तो मैं कहा, इन्होंने बोला कि मैं रात में स्टोमेटा खोलूंगा, बाकी पौधे कहते हैं कि मैं दिन में खोलूंगा, मैं दिन में ही खोल के CO2 ले लूंगा, ये बोलते हैं मैं रात में खोलूंगा CO2 ले लूंगा, CO2 लेके एसिड में कन्वर्ट करके उसको रखे रहूंगा, जब दिन आएगा तो लाइट आएगी, लाइट आएगी तो मैं CO2 को फिर से रिलीज करूंगा, लाइट आ ही रही है, लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया चला लूंगा। क्यों, आप समझ सकते हो, इसीलिए क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, इसको मैं स्टोमेटा खोलते नहीं है क्योंकि वाटर लॉस हो जाएगा इनका, दिन में अगर खोल लिए इतना हाई टेम्परेचर गर्मी में रेगिस्तान में आप सोच लो, तो वाटर लॉस को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए ये काम करते हैं, और इस प्रकार के स्टोमेटा जो रात में एक्टिव होते हैं, रात में खुलते हैं, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा बोले जाते हैं, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा जो रात में खुलते हैं, बाकी पौधे के जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन में खुलते हैं, क्योंकि बेचारे उनको वाटर क्या कहते हैं इतनी स्ट्रेस कंडीशन नहीं है, इतना हाई टेम्परेचर पर नहीं रह रहे हैं, तो वो दिन में खोल के CO2 ले लेते हैं और बाकी अपना प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। ये रात में खोलते हैं, CO2 लेते हैं, उसको एसिड में कन्वर्ट करेंगे, कौन सी एसिड में बताऊंगा, फिजियोलॉजी में, एसिड में कन्वर्ट करेंगे, रखे रहेंगे, जब दिन आएगी तो लाइट आएगी, सनलाइट आएगी, तो ये एसिड जो कन्वर्ट करके रखे हुए हैं CO2 को एसिड में कन्वर्ट करके, अब एसिड से फिर CO2 को रिलीज करेंगे, और लाइट आ ही रही है तो फिर CO2 डार्क रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट में। तो ये चीजें है जो आपको समझना है, कैम प्लांट्स, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा इनके अंदर होता है, रात में खुलने वाला स्टोमेटा, है ना।
स्टोमेटा एक छिद्र होता है, एक पोर होता है पत्तों के ऊपर, बाकी चीजें मैं डिस्कशन करूंगा बस, लेकिन इतना जरूर रखना, ध्यान रखना कि स्टोमेटा छिद्र होता है, पोर होता है पत्तों के ऊपर। मेथड ऑफ सीओ2 फिक्सेशन है ये, दैट कंजर्व्स वाटर, दैट कंजर्व, मैंने बोला ना वाटर कंजर्वेशन का खेल है सारा, कि वाटर को भैया संरक्षित करो, वाटर लॉस हो जाएगा, गर्मी ज्यादा है रेगिस्तान में। दैट कंजर्व्स वाटर इन सर्टेन सकलेंट्स, दैट कंजर्व वाटर इन सर्टेन सकलेंट प्लांट्स, गुदेदार प्लांट्स जो आप जानते हो, एलोवेरा एग्जांपल, एलोवेरा इनको नाम आया तो एलोवेरा ध्यान रखना, ओपनसिया है, नागफनिया है, ब्रायोफाइलम है, कितना बता दूं, एलोवेरा ध्यान रखना, हमेशा आपको ध्यान रहेगा एलोवेरा भैया, हाँ जेल के फॉर्म में स्टोर करके रखता है पानी को, वही तो जेल हम लोग लगाते रहते हैं, तुमको क्या पता है कि वो जेल क्यों रखा हुआ है, वो पानी को स्टोर करने का तरीका है उनका, ठीक है ना। तो सर्टेन सकलेंट प्लांट्स जो हो गए, सकलेंट्स हो गए, और ड्रॉट रेजिस्टेंट डेजर्ट प्लांट, सर्टेन सकलेंट्स एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट, ड्रॉट मतलब सूखा को रजिस्ट कर रहे हैं, रेगिस्तान सोच लो, ड्रॉट रेजिस्टेंट डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट में पाने वाले हैं डेजर्ट प्लांट, तो डेजर्ट में तो मिलेंगे, लेकिन सूखा को रजिस्ट कर रहे हैं कैसे, वाटर को स्टोर कर रहे हैं, वाटर को कंजर्व कर रहे हैं कैसे, मोटे मोटे गुदेदार है, अपने अंदर वाटर को स्टोर करके जेल के फॉर्म में स्टोर कर ले रहे हैं, जैसे एलोवेरा है, और स्टोर करके रखते हैं, और बड़ा दिमाग लगाते हैं कि स्टोमेटा में दिन में खोलूंगा ही नहीं, ना खोलूंगा ना हमारा वाटर लॉस होगा हमारी बॉडी से, तो हम रात में खोलेंगे, रात में सनलाइट है नहीं, टेम्परेचर कम हो जाती है, तो हमारा वाटर लॉस होगा नहीं, हम रात में खोल के CO2 ले लेंगे, CO2 को लेकर रख लेंगे, एसिड में कन्वर्ट करके रखेंगे, जब दिन होगा तो CO2 फिर उसी एसिड से रिलीज कर देंगे, अपनी बॉडी में क्लोरोप्लास्ट में जाएगा, और वहां पे फोटोसिंथेसिस हो जाएगी और कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, और बाकी पौधे कहते हैं मैं तो दिन में करूंगा, ये बेचारे कहते हैं रात में करूंगा, क्योंकि वाटर को कंजर्व करना है, इतना हाई टेम्परेचर डेजर्ट की खेल है भैया, वाटर लॉस हो जाएगा, मर जाएंगे वाटर लॉस से ये लोग, ठीक है ना। तो ये चीजें है, बाकी वेट इट फॉर फिजियोलॉजी एंड वेट इट फॉर बायोम, वहां पे मिलेगा आपको, और यूपीएससी के मेंबर के सामने क्या कहते हैं मेंस में आप लिखो, और यूपीएससी के मेंबर से आंसर खूब रच के नंबर लो, ठीक है, क्योंकि ये जीएस पेपर के बुक उठाओगे तो ये सब चीजें नहीं मिलेगी, समझा तो बहुत लोग देते हैं, बायोडाइवर्सिटी लोगों सही से नहीं पता है एक्चुअली तो, ठीक है ना। तो इकोसिस्टम सर्विसेज पे क्वेश्चन आ रहा है, इकोसिस्टम सर्विसेज जानते हो, ये चीजें मैं डिस्कशन करूंगा वहां पे, बट जो पॉलिनेशन यहाँ पढ़ाऊंगा, परागकण का पॉलन का ट्रांसफर होना स्टिग्मा टू एंथर प्लांट्स के अंदर, है ना, फ्लावर्स के अंदर, वो खेल पॉलिनेशन का आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी में इकोसिस्टम सर्विसेज के रूप में पढ़ने को मिलेगा। सोचो बायोलॉजी यहां पढ़ रहे हो और यही खेल हम लोग पढ़ेंगे, यही सी चीज को यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी में, सोचिए लिंक है, अगर पढ़ोगे एक बार में निकलेगा, अदरवाइज चार चार पांच पांच साल लग जाते हैं लोगों को, ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज हो गया, बाकी जो चीजें हैं आप बाकी चीजें ध्यान रखेंगे कि बायोम में हम लोग पढ़ेंगे इनका यूज करें। चैपरल्स बायोम होते हैं, आपको पता है चैपरल बायोम मेडिटेरियन क्लाइमेट में, चैपरल बायोम जो होते हैं डोमिनेट करते हैं बाय ब्रॉड लीफ स्क्रब्स होते हैं, स्क्रब प्लांट्स होते हैं, आपको पता नहीं होगा, मैं जानता हूं क्योंकि आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो चैपरल बायोम की बात करेंगे, स्लेरोफिलस वुडलैंड की बात करेंगे, मेडिटेरियन क्लाइमेट में आपको डोमिनेट करते हैं, फायर डिपेंडेंट इकोसिस्टम होते हैं, फायर डिपेंडेंट इकोसिस्टम में ये सारी चीजें पाई जाती है, चैपरल्स के नाम से जाने जाते हैं, ये बायो में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये अभी के लिए इतना रखता हूं, बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। हाँ ये जरूर है, थोड़ा बता देता हूँ, एनवायरमेंट इकोलॉजी का बात चल रही है कि मैं किस बुक से आपको थोड़ा कवरेज दूंगा, और बाकी यूपीएससी के बुक से जो हो सकती है आपको जितना आपको देना है उतना मैं दे दूंगा। यूपीएससी की जो बुक आती है जीएस पोर्शन में, दिस इज द बुक, ये बुक है एनवायरमेंट इकोलॉजी फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी, और ये ईपी ओडम की बुक है, आपने अगर पढ़ा है ईपी ओडम के बारे में, तो ईपी ओडम फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कहे जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कहे जाते हैं, जो आप इकोलॉजी एनवायरमेंट पढ़ते हो ना यूपीएससी में, उनके पिता हैं ये। इन बुक से मैं, ये रिसर्च लेवल की बुक है एक्चुअली, ठीक है, बट जितना हो सकता है इसमें से आपका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैं उतना आपको दूंगा, ठीक है, ताकि आप राइटिंग अच्छी हो, मेंस के अंदर आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी हो जाए, ठीक है। तो वो वेट कीजिए, सब कुछ आएगी, बायोलॉजी कंप्लीट करके मैं एनवायरमेंट इकोलॉजी ही लेके आने वाला हूँ, ठीक है, और बने रहिए साथ में, आपको वो दूंगा कि आप यूपीएससी के मेंबर के सामने आंसर देंगे तो आपको झलकेगी, यूपीएससी का मेंबर भी कहेगा कि कहाँ से पढ़ के आए हो, ठीक है, बिकॉज जीएस बुक में मैं नहीं बोलना चाहता हूँ बट नहीं है ये बुक जो मैं बताया, ये हर किसी का बस नहीं है ये सब चीजों को समझना और लिखना भी, हर राइटर नहीं लिख सकते इन चीजों को, ठीक है। तो ये बात की बात है, जब हम लोग पढ़ेंगे तब।
अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए, सेल ऑर्गेनल, क्लोरोप्लास्ट पढ़ लिए, फंक्शन बता दिया जितना हो सकता है, और भी फंक्शन होती है लेकिन आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि वो नीट के एग्जाम लेवल है ना, अब लेवल बहुत सारा आगे तक जा सकती है। और ये बात चलेगी आपको, हाँ आप लोग कहोगे नीट में पढ़ाऊंगा, मैं नीट की वीडियो लाऊंगा, आप मेरा क्लोरोप्लास्ट देखना, आप दंग हो जाओगे कितना क्लोरोप्लास्ट की जानकारी और है, मैंने तो आपको कुछ नहीं दिया है। हाँ ये जरूर चीज है कि मैंने क्लोरोप्लास्ट आपको पढ़ाया लेकिन पॉइंट्स लिखवाए नहीं है, ठीक है, तो अगर आप पॉइंट्स, क्योंकि मैंने बताया तो अच्छे से आपको, बट पॉइंट्स लिखवाए नहीं उसके बारे में, वही जो आप पढ़े हो, ग्रेनम क्या है, ग्रेना क्या है, थायलाकॉइड्स क्या है, स्ट्रोमा लैमेली क्या है, फ्रिट्ज चैनल क्या है, ये चीजों की जानकारी आप बोलोगे तो मैं लिख दूंगा, बट आप अगर उस लेक्चर को देखोगे तो आप लिख भी सकते हो, हाँ भैया फलाना चीज सर ने ग्रेनम ऐसे बताया, पूरे पूरे थायलाकॉइड्स को मिला के ग्रेनम बोलते हैं, पूरे ग्रेनम को मिला के ग्रेना बोलते हैं, ये चीज आप लिख भी सकते हो, क्लोरोफिल कहाँ होते हैं थायलाकॉइड के अंदर, थायलाकॉइड में कहाँ होते हैं क्वांटाजोम के अंदर, क्वांटाजोम में कितने होते हैं 230 होते हैं, याद है, तो लिखवा भी दूंगा जो पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल भी बोला जाता है, जिसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने समझाया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए है, इसके पास भी खुद का डीएनए है, तो जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का एंजाइम बना लेता था उसी तरीके से ये भी खुद का अपना एंजाइम बना लेते, इसलिए सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, सेमी ऑटोनोमस, ठीक है, क्योंकि इनका खुद का डीएनए है और अपना डीएनए है, तो कुछ तो भैया इंफॉर्मेशन रखता होगा डीएनए, तो कुछ तो कोड करेगा, कुछ तो प्रोटीन बनाएगा ना, तो इसीलिए कुछ बना लेता है, तो इसीलिए सेमी ऑटोनोमस है, ठीक है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। अभी देखिए एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए क्या है कि रेटिकुलम शब्द का मतलब तो जाल होता है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक मैं समझा नहीं सकता हूं आपको, क्योंकि मैं समझाने गया तो डिटेल में जाना पड़ जाएगा एंडोप्लाज्मिक क्या है, क्यों एंडोप्लाज्मिक रखा गया है, बट हिंदी में देखोगे अंतःद्रव्यीय जलिका, ठीक है, अंतर्द्रव्यीय जालिका, अंतर्द्रव्यीय जालिका ये बोलते हैं, बट एंडोप्लाज्मिक अंतर्द्रव्यीय क्यों बोला जाता है, इसका कारण है, लेकिन इस लेवल पे तो आपसे कदापि नहीं पूछा जाएगा। रेटिकुलम का मतलब ध्यान रखना जाल होता है, जाल है ना, एक तरीके का जाल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पढ़ना है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करूं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी हुई थी, आपको मैंने बताया था सेल ड्रॉ करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया था, और वो ध्यान रखना, फिर से ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं तो ये पहली बार सेल के अंदर ऑब्जर्व किया गया था। मैंने बार बार माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी बताई है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब अंश रस्का के द्वारा खोजी गई थी तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से यूकेरियोटिक सेल में, यूकेरियोटिक कोशिका में पहली बार रिवील किया गया था कि प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क, भैया कुछ जाल है कोशिका के अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया था तो ये पता चला कि भैया कुछ कोशिका के अंदर जाल नुमा फैला हुआ है, एक नेटवर्क है, एक जाल है, एक रेटिकुलम है, ठीक है, और टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फैला हुआ है, ट्यूब नुमा सेल के अंदर, ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर नॉर्मली फैला हुआ है, ऐसा कुछ देखने को मिला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, और पूरे सेल के अंदर स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं, ठीक है, पूरे कोशिका के अंदर, ठीक है, और इसको बोला गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बस इतना ध्यान रखना। ये हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा खोजा गया, आपने देख लिया। उसके बाद बताऊं इलेक्ट्रॉन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेस, देखो अगर मैं बताऊं थोड़ा सा समझ लो तो आपको, ये मैं न्यूक्लियस ड्रॉ कर दिया, ठीक है, न्यूक्लियस वैसे पोरस होते हैं, मैंने तो एक्चुअल डायग्रामों को बना के दिखा दिया, अब तो रफ डायग्राम बनाता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। देखो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बन रही है, मान लो ये ऐसा ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से साइट, ये क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक कनेक्टेड हो सकती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक कनेक्टेड नहीं भी हो सकती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे कनेक्ट होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे कनेक्ट होगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कनेक्ट नहीं हो सकती है, ये भी हो सकता है, या दोनों जगह कनेक्ट हो भी सकता है, ठीक है। ये मान लो क्या है, ये एक तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब क्या है, ये देखो कि ये पूरा साइटोप्लाज्म है ना, ये वाला साइटोप्लाज्म है पूरा, तो साइटोप्लाज्म को डिवाइड नहीं कर रहा है, एक अंदर का भाग हो गया, ये पूरा बाहर का भाग बचा हुआ है ना, तो डिवाइड भी तो कर रहा है ना साइटोप्लाज्म को, ये अंदर और ये बाहर, ये भी तो कर रहा है, तो यही मैं बोलना चाहता हूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड करता है इंट्रासेलुलर स्पेस, सेल के अंदर का जो स्पेस है इंट्रासेलुलर स्पेस, इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट डिवाइड कर रहा है, दो कंपार्टमेंट क्या है, एक ये कंपार्टमेंट है इसके अंदर का स्पेस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का स्पेस, और एक बाहर का स्पेस जो बचा हुआ है साइटोप्लाज्म वाला, तो ये चीजें है ये दो कंपार्टमेंट में बांट देता है, बस इतना आप ध्यान रखोगे, बाकी और भी चीजें हैं कि इसके अंदर में फ्लो ऑफ मटेरियल, कुछ सब्सटेंस है उसका फ्लो होना है, तो इसके अंदर से भी फ्लो होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ट्यूब बना है ना, अंदर जो जगह है ना,
ये इस जगह से भी फ्लो होते हैं, ठीक है, सब्सटेंसेस का फ्लो, ठीक है, बट वो छोड़िए, उतना आपको नहीं जानना है, ठीक है। अब आपको ये सुनना है कि देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की थोड़ा और जानकारी लेते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका जो कोशिका के अंदर नलिकाकार संरचना, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में, ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर में नलिकाकार संरचना वाली जालिका के रूप में होती है, ठीक है, नलिकाकार संरचना वाली जालिका के रूप में एक तरफ न्यूक्लियर झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी होगी और दूसरी तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा झिल्ली के संसर्ग में हो सकती है और कभी कभी नहीं भी हो सकती है यहां पर, बट यहां कनेक्टेड होगा, यहां पर कभी कभी नहीं भी हो सकता है। तो ये आप समझ गए कि प्लाज्मा झिल्ली के संसर्ग में और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के संसर्ग में रहती है, ठीक है, ये हो गया। चूंकि यह इसका जाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सघन होता है, ठीक है, देखिए मैंने बताया था ना कि एंडोप्लाज्मिक क्यूब बोलते हैं, तो इसका जो जाल वगैरह है ना कहीं बहुत डेंस होते हैं इसके अंदर, उसके नाम से मैं नहीं जाना जाता हूं एंडोप्लाज्मिक नाम किया गया है, ठीक है ना, वो रीजन अलग है, उसको रखते हैं बिकॉज हर चीज आपके एग्जाम के लेवल पर शायद नहीं है। इनफैक्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में तो नीट में भी लोग ये नहीं बताते हैं कि एंडोप्लाज्मिक नाम क्यों पड़ा, ठीक है, बट फिर भी अगर आपको जानना होगा तो नीट की वीडियो मुझे जरूर देखिएगा, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है कि एंडोप्लाज्मिक नाम क्यों पड़ा, ठीक है। अब देखिए इसमें ऐसा है कि पहली बार इसको जो खोजा गया है पॉटर के द्वारा, क्लाउड और फुलेम के द्वारा, 1945 की बात है, 1945 में पॉटर, तीन साइंटिस्ट थे पॉटर, इनका नाम ध्यान रखना क्लाउड एंड फुलेम, ये तीन साइंटिस्ट हैं 1945 में खोजे थे। कहां खोजे थे, देखिए टिश्यू कल्चर आपको पढ़ना है, टिश्यू कल्चर उत्तक संवर्धन आपको पढ़ना भी है, ठीक है, तो टिश्यू कल्चर हो रही थी उत्तक संवर्धन की कोशिकाओं में खोजा गया। उत्तक संवर्धन हुआ, उत्तक क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, नॉर्मली आप ध्यान रख सकते हो कि ग्रुप ऑफ सेल को उत्तक बोलते हैं और टिश्यू कल्चर करते भी हम लोग, टिश्यू कल्चर से आप जानते हैं कि अलग अलग प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं, तो टिश्यू कल्चर उत्तक संवर्धन की कोशिकाओं में पहली बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खोजा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ये तीन साइंटिस्ट है, ठीक है, पॉटर क्लॉड एंड फुलेम। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम पॉटर ने एंड कैलमैन ने दिया था, इस नाम को किसने दिया, इस टर्म को किसने दिया, ये टर्म गिवन बाय पॉटर, ठीक है, तो पॉटर तो दो जगह आ गए, खोजा भी नाम भी दिया। एक और साइंटिस्ट है, रखना होगा ध्यान रख लेना, नहीं भी रखोगे तो पॉटर तो ध्यान रखना, कैलमैन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये 1945 में खोजा गया, नामकरण जो है 1952 के आसपास हुआ था, 1952, ठीक है, 1952 नामकरण, ये डेट वगैरह शायद नहीं पूछा जाएगा, बस आपकी रेफरेंस के लिए, आपके एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक ऐसा फीलिंग के लिए कि हाँ भैया कब खोजा गया है, इसलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि कोई आज का नहीं खोजा गया है, 1952 हो चुका है, ठीक है ना, खोजा हुआ 1945 की बात है, ये हो गया। अब देखिए इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वितरण कहाँ है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जैसे पढ़ते हैं ना हम लोग आईएएस के जो भी क्वेश्चन आप मेंस में सॉल्व करते हो, तो भैया क्या एडवांटेज है जब मैं विंड एनर्जी पढ़ाऊंगा, जियोथर्मल पढ़ाऊंगा, सन पढ़ाऊंगा, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या इंप्लीकेशन है, जवाहरलाल नेहरू का प्रोग्राम पढ़ाऊंगा तो क्या इंप्लीकेशन निकल के आ रहा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस पढ़ाऊंगा तो क्या इंप्लीकेशन है, क्या कमी है, क्या, ये चीजें बात करनी पड़ती है, यूपीएससी का यही डिमांड है। टेक्निकलिटी पे उतना नहीं जाना है, बट जितना हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग यूपीपीसीएस का एग्जाम देंगे, एमपीपीसीएस का एग्जाम देंगे, वो लोग तो चार्ट डालते हैं, वो तो पूछ डालते हैं, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण कहाँ है, अंतर्द्रव्य जालिका, आपको नॉर्मली बता दूं, भ्रूणीय कोशिका होती है एम्ब्रियोनिक सेल, अंड कोशिका होती है एग सेल, आरबीसी होती है आपको पता है, प्रोकैरियोट होती है आपको पता है, ये यहाँ पे नहीं पाया जाता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे नहीं पाया जाता, बस। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, सेल को अगर पकड़ोगे तो आरबीसी में नहीं मिलेगा, रेड ब्लड सेल नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना, जो लोग भी बोलते हैं उनको पता नहीं है, ठीक है, मैं क्या करूं, नहीं पता है तो अगर वीडियो देखेंगे तो जरूर पता चल जाएगा, सी जो यहां लिखा गया रेड ब्लड कॉर्पसल्स है, सेल नहीं बोलते आरबीसी को, उसका एक रीजन है, ठीक है, रीजन आपको समझा दूंगा समय आने पे, जब मैं ब्लड पढ़ाऊंगा पक्की समझा दूंगा आपको, रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं एक्चुअली, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद प्रोकैरियोट के अंदर, आपको पता है प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं है, कोई भी झिल्ली नुमा तो ऑर्गेनल कोशिकाएं तो मिलेंगे नहीं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां से मिल जाएगा, गॉल्जी बॉडी नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो ये कहां से मिल जाएगा, इसमें भी तो झिल्ली है ना, सेल मेम्ब्रेन है ना, तो सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं मिलेंगे, तो प्रोकैरियोट में नहीं मिलेगा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दो तो आपको याद रखना है, एक एम्ब्रियोनिक सेल भी ध्यान रख सकते हो, भ्रूणीय कोशिका और अंड कोशिका, एक सेल में भी नहीं मिलता, ठीक है, नॉर्मली, तो ये आप, लेकिन दो ध्यान रखना, ठीक है, एग सेल और भ्रूणीय कोशिका, एम्ब्रियोनिक सेल,
वो दो चीज में नहीं मिलेगा, ठीक है, दो चीज और यहां पे डाल सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा ये हो गया। उसके बाद देखो अंतर्द्रव्य जालिका की पड़ा संरचना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, अंतर्द्रव्य जालिका की पड़ा संरचना की बात करें, उसकी स्ट्रक्चर की बात करें, उसकी आकारिकी की बात करें, उसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें कि कैसा दिखता है भैया, कैसा शेप है, किस आकार में पाया जाता है, क्योंकि भैया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हैं, स्मूथ पढ़ते हैं, अच्छी बात है, राइबोसोम के अटैचमेंट के आधार पे, राइबोसोम अटैच है तो भैया रफ है, नहीं है तो स्मूथ है, लेकिन कोई तो आकार होगा ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो तो राइबोसोम के अटैचमेंट के आधार पे है कि रफ है कि स्मूथ है, लेकिन कोई तो शेप होगा, कोई तो मॉर्फोलॉजी होगी, कोई तो आकारिकी होगी, कोई तो आकार होगा, वो आकार थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है, ताकि और फीलिंग आ जाए। तीन शेप में लगभग ये पाए जाते हैं, तीन शेप, एक सिस्टर्नस शेप होता है, अपने पढ़ा नहीं होगा मुझे पता है, नॉर्मल बुक्स में नहीं रहती है, खास करके जीएस बुक में नहीं होती है, बट इसलिए पढ़ा रहा हूं बिकॉज आपको ये कभी पूछा जा सकता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पाया जाता है वो किस शेप में पाया जाता है। ज्यादातर आप पढ़ के बैठे हो भैया मैं तो पढ़ा था राइबोसोम अटैच होता है, तो राइबोसोम अटैच होता है तो बोलते रफ, अब मैं ये क्वेश्चन पूछ दिया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस शेप में पाए जाते हैं तो लुढ़क जाओगे, कोई बड़ा क्वेश्चन है क्या, शेप ही तो पूछ रहा है, बड़ा तो क्वेश्चन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की बात है, जानकारी की बात है, आपको है इंफॉर्मेशन तो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो सिस्टर्ने ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स तीन शेप में ये पाए जाते हैं, थ्री शेप है, सिस्टर्ने ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, सिस्टर्ने थ्री शेप्स हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है, किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तीन शेप है। पहला बात करूं, पहला मैं अगर दिखाऊं आपको तो सिस्टर्ने, दूसरा ट्यूब्यूल, ये शेप में पाया जाएगा, तीसरा है वेसिकल्स, वेसिकल तो हमारे सेल में बहुत सारे बनते हैं ना, गोल्जी बॉडी भी बनाती है, गोल्जी बॉडी को समय समझा दूंगा, वेसिकल्स, ठीक है। अब देखिए सिस्टर्ने को सिस्टर्ने ही बोलते हैं, ट्यूब्यूल को नलिकाएं बोलते हैं, ट्यूब नुमा नलिकाएं बोलते हैं, और वेसिकल को आशय बोलते हैं, आशय, ठीक है, आशय, इसको नलिकाएं लिख लोगे, सिस्टर्ने को सिस्टर्ने ही बोलते हैं, ठीक है, सिस्टर्ने को सिस्टर्ने ही बोलते हैं, नलिकाएं, ठीक है, ठीक है, ए भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, यह भी लिख सकते हो, और सिस्टर्ने को सिस्टर नहीं बोलते हिंदी में, ठीक है। अब देखिए शेप क्या है, बस थोड़ा शेप समझ लो, बाकी आपका काम हो जाएगा। देखो क्या है कि ये सिस्टर्ने जो होते हैं वो कैसा है कि आपको ये जैसे कि एक ऐसा बोरी ले लो, बोरी, और उसको लंबी लंबी फाड़ दो, ठीक है, तो कुछ ऐसा बनेगा सिस्टर्नी का शेप, देखो कैसा आएगा, सिस्टर्नी का जो शेप होता है कुछ इस तरीके से, ये 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 कुछ ऐसा शेप होता है, लंबा लंबा लेमिनर शेप होगा, लेमिला टाइप का, ठीक है, तो ये लेयर टाइप के बने होते हैं, लेमिला टाइप के बने होते हैं, ये सिस्टर्नी का शेप है, ऐसा एक बोरी ले लो, बोरी काट दो ऐसे 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 ऐसे, इस टाइप के शेप में मिलते हैं सिस्टर्नी, और जाहिर सी बात है ये तो शेप है। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस शेप में पाए जाते हैं तो इसके शेप में क्या अटैच होगा, राइबोसोम अटैच होगा, बस यही चीज है। आपने सिर्फ राइबोसोम के आधार पर पढ़ा है, मैंने शेप भी बता दिया आपको कि भैया अगर सिस्टर्नी है और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी शेप में पाया गया तो सिस्टर्नी पे राइबोसोम अटैच तो होगा ही होगा, बिकॉज रफ है, रफ में तो राइबोसोम अटैच होते ही होते हैं, बस शेप आप समझ सकते हो सिस्टर्नी है, ये आपको मिल गया, यहाँ पे अटैच है, राइबोसोम अटैच हो गया, ठीक है। तो ये आपको सिस्टर्नी शेप में आपको राइबोसोम मैंने यहाँ पे दिखाया है। उसके बाद वेसिकल की बात करो या ट्यूब्यूल की बात करो, ट्यूब्यूल जो होते हैं देखो इसमें ब्रांचिंग हुई है, ब्रांचिंग नहीं हुई है, ब्रांच ऐसा नहीं है ऐसे ब्रांच हो गया, नहीं हुआ ब्रांचिंग, नहीं हुआ, इसमें ब्रांचिंग होती है, ट्यूब्यूल में ब्रांचिंग हो जाती है। तो ट्यूब्यूल की बात करें, ट्यूब्यूल को देखना है तो देखो ट्यूब्यूल को ऐसी बात है, ये है आया ट्यूब्यूल कुछ ऐसा, एक मिनट, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ कुछ ऐसा, ऐसा देखो ब्रांचिंग होगी ना, ये सीधा था, ये ब्रांचिंग निकल गई, ठीक है, ये ब्रांचिंग निकल गई, ये ट्यूब्यूल नुमा होते हैं, मतलब कि एक तरीके से ये ब्रांचिंग इनके अंदर में हो जाती है, ठीक है। ऐसा भी हो सकते हैं, और भी शेप हो सकता है, और शेप कैसा हो सकता है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, 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 ये भी शेप है, ब्रांचिंग हो चुकी है, ये ट्यूब्यूल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ट्यूब्यूल इसको बोलते हैं, इस शेप को बोलते हैं, शेप के आधार पर है। और वेसिकल्स जो होते हैं, वेसिकल्स, ये तो वेसिकल्स ऐसे ऐसे गोले गोले होंगे, गोले गोले होंगे बस, ठीक है। अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा तो भैया उसमें राइबोसोम अटैच नहीं होगा जैसे है, और रफ अगर होगा तो फिर इसमें राइबोसोम अटैच कर दो कैसे ऐसे, बस यही बात है, बस शेप का आकार मैंने बता दिया। अब इन्हीं शेप में स्मूथ बन जाए या रफ बन जाए, स्मूथ बनेगा इन शेपों में तो भैया राइबोसोम अटैच नहीं करूंगा, रफ बन जाएगा तो भैया राइबोसोम अटैच कर दूंगा, बस हो गया,
यही चीज आपको समझना था। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अपने अंतःद्रव्य जालिका का विभिन्न रचनाएं आपने पढ़ ली, ठीक है, ये हो गया। आपको इतना एक तो ध्यान रखना है, अब आपको मैं बताता हूं कि क्या आपको और पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शोज राइबोसोम अटैच एट देयर सर्फेस। आपको पता है राइबोसोम के आधार पर आप पढ़ते हो, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होती है, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये राइबोसोम इनके सर्फेस पर अटैच होते हैं, आपने देख लिया। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम को बियर करते हैं, राइबोसोम उनके सर्फेस पर अटैच होता है, उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो मान लो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और इसको ग्रेनुलर भी बोलते हैं, ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये तो इसमें क्या होगा, रफ है क्योंकि राइबोसोम रफ होते हैं, तो रफ नुमा है अटैच होंगे, इससे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनेगा, ठीक है। तो ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। अगर राइबोसोम अटैच नहीं है तो वो बनेगा आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसको एक ग्रेनुलर है तो ग्रेनुमा है, ग्रेनुलर है राइबोसोम, ग्रेनुमा है, एक ग्रेनुलर मतलब अब्सेंस ऑफ ग्रेन, तो ए मतलब नॉट, नहीं है, तो एक ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया राइबोसोम का आधार पे, चिपक गया तो नहीं है, क्या है, कैसा है, ठीक है। अब देखो इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड, कौन से सेल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मिलेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस प्रकार की कोशिकाओं में आपको मिलेगा, फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड किन कोशिकाओं में होगा, जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे प्रोटीन सिंथेसिस में, जो प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन, प्रोटीन की सिंथेसिस और सिक्रीशन में ऐसी कोशिका है जो प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं और उसकी सिक्रीशन कर रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं और प्रोटीन को सिंथेसाइज भी कर रहे हैं, बना भी रहे हैं, वैसी कोशिकाओं आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसी कोशिकाएं जो कि एक्टिवली इन्वॉल्वड है प्रोटीन सिंथेसिस में और सिक्रीशन में, वो तो रफ हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस कर रही है और सिक्रीशन कर रही है, और दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटीन्यूअस, ये एक्सटेंसिव होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होगा, उसके बाद ही स्मूथ आएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से अटैच होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है, ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थोड़ा बाहर के होता है, दूर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो रफ वाला अटैच होता है ज्यादातर पास में होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, इज द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, जो कोशिकाएं लिपिड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें ज्यादातर आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। लिपिड क्या होती है, आपको मिलने वाला है कार्बोहाइड्रेट, में पढ़ा चुका हूं, थोड़ा फंक्शन बताऊंगा, पॉलीसेकेराइड का फंक्शन पढ़ाना है, उसके बाद हम लोग प्रोटीन पढ़ेंगे, लिपिड पढ़ेंगे, वो आएगी समय। तो ऐसी कोशिकाएं जो लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, वो क्या है, लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, तो क्या है वो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कहानी है, वहां पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा उन कोशिकाओं में। एनिमल सेल, जैसे एनिमल कोशिका को ले लो, जंतु कोशिका, एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन, लिपिड नुमा स्टेरॉयड के हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, स्टेरॉयडल हार्मोन है। तो इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन, लिपिड के जैसा स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइज इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड के सिंथेसाइज करता है, और लिपिड के लाइक, लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन अगर है तो कहां बनेंगे, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही बनेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज इन SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हो गया। अब ये आपको रब करता हूं, कुछ चीजें आप पॉइंट लिख भी सकते हो ताकि मेरा टाइम बचे, आपका टाइम बचे और आगे मैं पढ़ा पाऊं। जो लोग आमतौर पर नहीं सुने होते हुए मैं बता देता हूं, बाकी जितना मैं धीरे धीरे बता रहा हूं आप लिख भी सकते हो, ठीक है। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कहानी मैंने बता दी कि पहली बार डिस्कवर किसने किया और नाम किसने दिया, लेकिन अगर इसको ऑब्जर्व करने की बात करें, बोलते हैं ना कि देखा किसी ने, खोजा किसी ने, नाम किसी ने दिया, तो भैया इसको पहली बार ऑब्जर्व किसने किया था, ऑब्जर्व, ये भी एक कहानी आ सकता है कि फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किसने किया। डिस्कवरी की तो कहानी बता दी, टर्म किसने दिया वो भी बता दिया, लेकिन ऑब्जर्व किसने किया, अब वही किया जितने लोग गार्नियर की लगाते हैं फेस वॉश, तो साइंटिस्ट का नाम गार्नियर था, याद रखना, ठीक है। तो जितने लोग गार्नियर की फेस वॉश लगाते हैं तो वही साइंटिस्ट का नाम भी है गार्नियर, गार्नियर ने ही पहली बार इसको ऑब्जर्व किया था, पहली बार, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, बस गार्नियर, ये तो लिखना नहीं पड़ेगा ना, फेस वॉश देख लेना, गार्नियर, GARNIER, ठीक है, गार्नियर ये साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने पहली बार ऑब्जर्व किया, ये हो गया। अब उसके बाद देखो,
आपको ये ध्यान रखना है कि सिस्टर्ने जो मैंने आपको बताया है, ये ज्यादातर आपको कहां मिलेगा, ये ज्यादातर आपको ये देखना है अनब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच्ड इसमें शाखित नहीं है आपको पता है, और इनकी डायमीटर वगैरह भी होती है बट वो नहीं आपको ध्यान रखना है। और अगर बताऊं आपको तो जो ट्यूब्यूल है, ट्यूब्यूल जो बनते हैं ज्यादातर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बनते हैं, ट्यूब्यूल जो होता है ट्यूब्यूल से ही बनते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल नुमा होता है, ट्यूब्यूल मैंने बताया था ट्यूब्यूल, तो उसमें ट्यूब्यूल में क्या होगा, राइबोसोम अटैच नहीं होगा, क्यों राइबोसोम अटैच नहीं होगा तभी तो स्मूथ बनेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनेगा, तो ट्यूब्यूल शेप के होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बस इतना आपको ध्यान रखना है ट्यूब्यूल शेप के होते हैं, ठीक है, बस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ स्मूथ वाले, ठीक है। और आप पूछोगे रफ वाले कौन, सिस्टर ने बताया, सिस्टर ने बताया था ना, ब्रांच नहीं थे ऐसे ऐसे लंबा लंबा, वो रफ वाले ज्यादातर सिस्टर ने शेप में होते हैं, तो उनके सरफेस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, उनके सरफेस पे राइबोसोम अटैच होगा, और ट्यूब्यूल शेप के जो थे मैंने बताया था उस शेप के ज्यादातर स्मूथ वाले बनते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो स्मूथ है तो राइबोसोम अटैच नहीं होगा, ठीक है, ट्यूब्यूल शेप वाले में ये है, इस शेप में पाए जाते हैं ये लोग, ये हो गया। उसके बाद अगर बताऊं थोड़ा सा लाइन अप लिख लो, थोड़ा सा लाइन लिखना है स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, इट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, थोड़ा लिख लो, बाकी तो मैंने बता दिया, उसको लिख लोगे अलग से, थोड़ा मैं अलग से बता रहा हूं आपको, इट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, कहानी मैंने सब कुछ समझा दी है, इट इन्वॉल्व किस चीज में लग्न होता है, ये संलग्न होता है, इट इन्वॉल्व इन प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन क्यों होगा प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि रफ है राइबोसोम अटैच होगा तो राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, इसलिए तो बोला गया इट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण, इट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फोल्डिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड डिस्पैच, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की फोल्डिंग कराएगा, फोल्डिंग भी होती है प्रोटीन की, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में फोल्डिंग होती है, एंजाइम बनते हैं ऐसे, ठीक है, एंजाइम वगैरह आप जो बनते हैं ना, प्रोटीन है, अरे किसको फोल्ड करूं मैं, अरे क्या करूं, हाँ ये देखो, जैसे ये कोई ये स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ठीक है, इसकी फोल्डिंग होगी, ये लो ये लो ये लो, ठीक है, ये लो ऐसा कुछ बनेगा, इसको एंजाइम बोल देंगे, मैंने बोला था ना ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, एक राइबोसोम को छोड़ दो सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, राइबोसोम को छोड़ दो राइबोसोम आरएनए होता है, तो ऐसे प्रोटीन है नॉर्मली, ये प्रोटीन है एमिनो एसिड्स से बने हुए, चेन वगैरह, अब इनकी फोल्डिंग होगी, लो फोल्डिंग हो गई, अब फोल्डिंग हुई तो इसको एंजाइम बोल देंगे, बस अंतर, एंजाइम में क्या होगा, अब इसमें कुछ ऐसा अच्छा अच्छा स्ट्रक्चर बन चुका है, कुछ ऐसे स्पेस बन गए हैं, यहाँ पे रिएक्शन वगैरह होगा, इसीलिए तो एंजाइम बन जाता है, तो कुछ बदलाव हो जाते हैं फोल्डिंग के कारण, कुछ बदलाव हो जाता है, प्रोटीन की फोल्डिंग होगी, अगर ये प्रोटीन था, ये प्रोटीन था और इसकी फोल्डिंग होगी ना, अभी प्रोटीन है इसमें कुछ भी ऐसा स्पेस नहीं है जहां पे रिएक्शन हो पाए, मान लो तो ये फोल्डिंग होगी, फोल्डिंग हुआ तो मान लो कुछ स्पेस बन गया, यहाँ पे कुछ स्पेस बन गया, अब स्पेस बन गया तो कुछ ऐसी चीजें आएगी, इससे जुड़ेगी, यहाँ रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो ये एंजाइम बायो कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट करता है, ठीक है, तो प्रोटीन फोल्डिंग, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी की कंट्रोल करेगा, क्वालिटी कंट्रोल, ये समझा नहीं रहा हूं ज्यादातर मैं, ये तो मैंने समझा दिया, क्वालिटी कंट्रोल, डिस्पैचिंग करेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चीजें बनके गोल्जी बॉडी के पास जाती है, गोल्जी बॉडी उसकी पैकेजिंग करेगा, अच्छे से पैकेजिंग करेगा, वेसिकल्स बनाएगा फिर उस सेल के अलग अलग पार्ट में भेजेगा, ठीक है ना, तो यहाँ से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही गोल्जी बॉडी बनाता है और गोल्जी बॉडी भी लाइसोसोम बनाता है, ये लाइन ध्यान रखना ये बनाते हैं क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये लोग क्या बनाते हैं, गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी क्या बनाता है, लाइसोसोम, ध्यान रखना, बहुत बड़ा पॉइंट बोल दिया मैंने, क्वालिटी कंट्रोल एंड डिस्पैच, ठीक है, तो ये है, इट इन्वॉल्व्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन की फोल्डिंग करेगा, उसकी क्वालिटी समझते हो ना भैया, क्वालिटी को कंट्रोल करना, प्रोटीन की क्वालिटी कंट्रोल करना, डिस्पैच करना भैया, उसको वहां बोलते हैं ना डिस्पैच कर दो भैया इस चीज को, तो डिस्पैच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिस्पैच होगा, गोल्जी बॉडी के पास जाएगा, ये गोल्जी बॉडी उसके अंदर जो बदलाव करना है वो करेगा, उसको फिर बदलाव करके जहां जहां भेजना है गोल्जी बॉडी उसको भेज देगा, जहां जहां भेजना है गोल्जी बॉडी सेल के अंदर सेल के बाहर भेज देगा, वहां पे जाकर अपना यूज होगा उसका, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बनाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए सारी काम होती है, ये बेचारे बनाए, इसकी फोल्डिंग वोल्डिंग की, गोल्जी बॉडी के पास जाएगा, गोल्जी बॉडी उसकी चेकिंग करेगी, उसकी वेसिकल्स में बनाएगा, ठीक है ना, और फिर उसको भेज देगा जहां उसकी जरूरत होगी, सेल के अंदर सेल के बाहर, ठीक है, बाकी मैं गोल्जी बॉडी में आपको समझाऊंगा, बट फीलिंग समझ पा रहे होगे, चीजें कैसे बनती है, कहां कहां मूव करते जाती है, ये हो गया। उसके बाद देखिए प्रोटीन जो है, इट इज कॉल्ड रफ बिकॉज राइबोसोम अटैच इट्स सरफेस, रफ क्यों बोलते हैं, बिकॉज राइबोसोम अटैच इट्स सरफेस एज इट्स सरफेस, ये भी लिख दूं क्या, अब ये मत लिखवाओ यार, इट इज कॉल्ड रफ बिकॉज राइबोसोम
अटैच एट इट्स सरफेस, सरफेस पे अटैच होता है वो जो हम रफ होता है, इसलिए ग्रेनुलर भी बोलते हैं, ग्रेनुलर भी बोलते हैं, ग्रेनुमा है ना। तो ये हो गया। उसके बाद आप देखिए, इसके बाद आपको समझना है कि इसमें और चीजें भी है, बट इसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है बाय राइबोसोम, देखिए राइबोसोम अटैच होगा, मान लो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सिस्टर्ने शेप में, और यहां पर राइबोसोम है, राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम है। तो राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, ऐसा होता है एक्चुअली, ऐसा बनाना चाहिए ऐसा राइबोसोम, ठीक है। तो प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन बनाया, और वो क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है तो वो प्रोटीन इंटर करेगा इसके अंदर में, इंटर करेगा और यहां पे प्रोसेसिंग होगी और सॉर्टिंग होगी, यहां पे प्रोसेसिंग होगी, यहां पे राइबोसोम है, प्रोटीन बनी, प्रोटीन बनने के बाद यहां इंटर की रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्ने में अंदर, यहां पे उसकी प्रोसेसिंग हो गई, प्रोसेसिंग सॉर्टिंग हो गई, उसके बाद गोल्जी बॉडी के पास जाएगा वो प्रोटीन, और गोल्जी बॉडी के जाने के बाद फिर सेल में जहां जहां जाना है वहां वहां चला जाएगा। तो ये चीज जो मैंने लिखी है ना, वो यहां से समझ सकते हो कि कैसे प्रोटीन बनी, कैसे फोल्डिंग हुई, कैसे क्वालिटी कंट्रोल हुआ, और फिर बाद में डिस्पैच कर दिया, जा भाई तू जा, कहाँ जा, गोल्जी बॉडी के पास जा, वो तुम्हारा बाकी का काम करेगा, तुम्हारे में जो जो करना है, और क्या क्या करना है गोल्जी बॉडी पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, ठीक है। अब इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है ना, बहुत सारी काम होती है, एंजाइम की सहायता से ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह बन जाते हैं, ये सब चीजें आपको नहीं बता रहा हूं, नहीं तो बहुत ओवर हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ केसेस में एंजाइम वगैरह होते हैं सिस्टर्नी से अटैच होते हैं, इन सिस्टर्नी से, जो सिस्टर्नी मैंने बनाया था ना, इससे एंजाइम्स विद इन सिस्टर्नी, सिस्टर्नी के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट से, और ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है, फिर वो ग्लाइकोप्रोटीन भी खेल करते हैं कुछ और चीजों में, बट This is not required for you, ठीक है? आपके एग्जाम के हिसाब से रिक्वायर्ड नहीं है। अब देखिए, इसको ग्रेनुलर भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए, अब पढ़ते हैं हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्रेनुलर नहीं है, ठीक है, ए मतलब नॉट, ग्रेनुलर मतलब एक ग्रेन नुमा है ना, ग्रेन नुमा, ठीक है, ये ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स आप WBC में पढ़ोगे मुझसे, ठीक है, इंजाइम रिच स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स वहां पे पढ़ोगे WBC में, वहां पे इंजाइम रिच स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स अगर हैं तो वो ग्रेनुलोसाइट बनेगा, और इंजाइम रिच स्पेसिफिक ग्रेन्यूल नहीं है तो वो ए ग्रेनुलोसाइट बनेगा। आपने नाम सुना होगा लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, कुछ सुना है, याद है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, इयोसिनोफिल्स, बैसोफिल्स, चीजों की वहां पर डिस्कशन होगी जब ब्लड पढ़ाऊंगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, इट इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ लिपिड एंड हार्मोन्स, इज एसोसिएटेड एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ, स्मूथ है ना, प्रोडक्शन ऑफ लिपिड एंड हार्मोन, मैंने बहुत शुरुआत में ही बता दिया आपको, शुरुआत में भी बता दिया है लिपिड एंड हार्मोन्स, ठीक है, ये हो गया लिपिड एंड हार्मोन्स। उसके बाद बताएं फैट इज ए फॉर्म ऑफ लिपिड, ये चीजें लिपिड क्या है, फैट क्या है, ये चीजें बहुत कंफ्यूजन रहती है, मैं समझाऊंगा आपको जो कार्बोहाइड्रेट के बाद आने वाली है लेक्चर। इट इज कॉल्ड स्मूथ बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विथ लिपिड, इट इज एसोसिएटेड विथ फैट, ऐसा बोलो, फैट से एसोसिएटेड है, चिपका है, फैट इससे एसोसिएटेड होती है, इसलिए स्मूथ बोलते हैं, और ये ग्रेनुलर भी बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर देखना है तो उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको क्या जानना है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो कहानी मैंने बताई थी, प्रोटीन सिंथेसिस तो करता ही करता है, लेकिन एक चीज आपको थोड़ा बता देता हूं, एग्जामिनर भी कहेगा कि थोड़ा पूछ लूं तो आप आंसर भी दे देंगे थोड़ा सा, मैंने मुझे मन कर रहा है कि ये वाला भी बता ही दूं आपको रफ के बारे में, रफ वाले के बारे में। कहानी ये है, ये सेल है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म है अंदर में, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो बनी हुई है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो सिंथेसिस होती है, न्यूक्लियर एनवेलप बोल लो, न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर झिल्ली, नाभिकीय झिल्ली, इसकी सिंथेसिस भी कराता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बस ध्यान रखना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की भी सिंथेसिस जो है, संश्लेषण कौन कराता है, बनाता कौन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इतना ध्यान रखना, बाकी आते हैं स्मूथ में, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी मैंने आपको। कभी कभी सोचे ना भैया, ये भैया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन बनाता है, रफ बनाता है, रफ, ठीक है। अब स्मूथ के बारे में सुनो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट हेल्प्स इन स्टेरॉइड सिंथेसिस, स्टेरॉइड्स बॉडी बिल्डर, स्टेरॉइड चिपकाते हैं ना, स्टेरॉइड आने वाला है लिपिड में, पढ़ाऊंगा लिपिड में, इट हेल्प्स इन, चिंता नहीं करना, स्टेरॉइड अभी ज्यादा नहीं समझाऊंगा, लिपिड में समझाऊंगा, इट हेल्प्स इन स्टेरॉइड बॉडी बिल्डिंग में यूज होती है, स्टेरॉइड्स
अब इतना बता सकता हूं मैं इसमें, अगर बताने लगू तो 4-7-8 घंटा बता दू इनमें मैं। लेकिन बॉडी के क्या प्रभाव है, कैसे बॉडी पे काम करती है, कैसे सेल में जानती है, कैसे इसका मेटाबॉलिज्म होता है, कैसे कैसे किडनी से फिल्टर होती है, बहुत कुछ बता सकता हूं, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम। इट हेल्प्स इन स्टेरॉइड सिंथेसिस, सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। और स्टेरॉइड की बात करूं, थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल, थोड़ा सुन लो, मन कर दिया फिर समझाऊंगा ही, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल का ही मॉडिफाइड फॉर्म है स्टेरॉइड। आपको पता है स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, स्टेरॉइड्स के बने हुए हार्मोन होते हैं वो, और स्टेरॉइड के बने हुए हार्मोन को चाहिए पहले कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो स्टेरॉइड के हार्मोन नहीं बनेंगे। कोलेस्ट्रॉल लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल मत खाओ, अरे भैया अभी कहानी आपको पता नहीं है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है सुनते जाइए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, जितने लोगों को नहीं पता है, और मैक्सिमम लोगों को नहीं पता, 8 साल से मैं देख रहा हूं कि सही जानकारी नहीं है, इसमें तो बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को, है ना, कि कोलेस्ट्रॉल बेकार है अच्छी है, अरे भैया गुड फैट बैड फैट, सैचुरेटेड फैट अनसैचुरेटेड फैट, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल, कुछ होता है ऐसा नाम, ठीक है ना, मैं समझाऊंगा। स्टेरॉइड्स से बने हुए कुछ हार्मोन भी होते हैं, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन, और उन हार्मोन को बनाने के लिए, क्योंकि स्टेरॉइडल हार्मोन है वो, और स्टेरॉइडल हार्मोन को बनाने के लिए पहले चाहिए कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो हार्मोन नहीं बनेगा, स्टेरॉइड वाले हार्मोन नहीं बनेंगे, कोलेस्ट्रॉल चाहिए, तो ये इतना ध्यान रखना। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल होते हैं स्टेरॉइड्स, ठीक है, यूज्ड फॉर बॉडी बिल्डिंग। ये कहां यूज होते हैं, यूज्ड फॉर बॉडी बिल्डिंग, और ये ध्यान रखना, जो लोग ये ज्यादा लेते हैं बच्चा भी नहीं होता उनको, शादी के बाद लंबे समय लग जाते हैं लोगों को, ये बहुत खेल होती है, इनकी कहानी है, और बहुत प्रॉब्लम भी होती है बाद में चल के, ठीक है, बॉडी बनाना ही छोड़ देती है, बॉडी कहती है ये आदमी तो स्टेरॉइड देते रहता है खुद सिरिंज से, मैं क्यों बनाऊं। बॉडी स्टेरॉइड बनाती है, टेस्टोस्टेरोन बनाती है, और भी स्टेरॉइड्स बनाती है, लेकिन बॉडी खुद कह रही है कि भैया ये आदमी स्टेरॉइड रेगुलर मुझे ठूसते रहता है सिरिंज से, है ना, सुई के माध्यम से, तो मैं क्यों बनाऊं, ये दे ही रहा है, वो बनाना ही छोड़ देती है, ले अब तो जिंदगी भर तो स्टेरॉइड लोगे नहीं, जब तक बॉडी बना रहे लोगे, अब बाकी बॉडी ने संट हो गई, अब नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि आदमी तो बाहर से दे रहा है स्टेरॉइड, ये खेल हो जाती है लोगों के अंदर, स्टेरॉइड बनना ही बंद हो जाता है, रुक जाता है, अब लोगों को कौन समझाए, कौन समझाए भैया, समझाए कौन, है ना, लोग अपने आप से करते रहते हैं, बॉडी बिल्डिंग बनाना है, लाइफ है उनकी, तो वो भी एक समझ में आती है कि बिना स्टेरॉइड की तो 20-22 के डोले बनेंगे नहीं, इम्पॉसिबल है, है ना, और इसलिए लेना पड़ता है लोगों को, बट लाइफ के लिए क्या वो हार्म कर सकती है लोगों को शायद पता नहीं होता है, ठीक है, फिर भी ठीक है, नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमारी फ्यूचर भी कुछ है, अपना प्रोफेशन है लोगों की, बॉडी बिल्डिंग है, बट प्रॉब्लम है, होती है। अब ये ध्यान रखना, टेस्टोस्टेरोन मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता क्या, टेस्टोस्टेरोन फीमेल में भी होता है, एस्ट्रोजन मेल फीमेल में होती है, फीमेल में नहीं होता क्या, एस्ट्रोजन फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता क्या, मेल में भी होता है, कम होता है, टेस्टोस्टेरोन मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता क्या, टेस्टोस्टेरोन फीमेल में भी होती है, होता है, कम होता है, ये बहुत लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन मेल में, अरे फीमेल में भी है भैया, कम है, और टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन क्या है, स्टेरॉइडल हार्मोन है, स्टेरॉइडल हार्मोन को बनाने के लिए क्या चाहिए, पहले कोलेस्ट्रॉल चाहिए, उनके बिना तो नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, हाथ उठा देंगे वो लोग, ठीक है। अब देखिए, अब आपको समझा दूं, थोड़ा सा आपको बता दूं, क्या बता दूं, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और जैसे कि मैं फंक्शन आपको 8-10 फंक्शन बताऊंगा, ताकि आप मेंस में लिख ले, और उसके बाद हम लोग लेस क्लास में गॉल्जी बॉडी पढ़ेंगे, ठीक है, और मैं जो बहुत ही जल्दी आपको वीडियो डाल रहा हूं, किस पे, एनवायरमेंट पे, एनवायरमेंट बोल रहा हूं, साइंस टेक्नोलॉजी एनर्जी पे, ठीक है, और रिन्यूएबल एनर्जी कंप्लीट करेंगे और आगे हम लोग मूव करेंगे, हमको ये भी देखना है कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उनका कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, आमतौर पे लोग फॉसिल फ्यूल्स के नाम पे पढ़ा देते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, अरे भैया यूपीएससी है, मेंस लिखना है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अभी आपको समझना है कि फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं उनका हम अलग, क्या वो बेकार है क्या खराब है, नहीं, फॉसिल फ्यूल्स इज नॉट बैड, द इमिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स इज बैड, इमिशन जो हो रही है वो गड़बड़ है, फॉसिल फ्यूल्स खराब नहीं है, ठीक है, और बाकी आप टेक्नोलॉजी समझेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स की कैसी टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे कि पॉल्यूशन नहीं हो सकता है, और कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बस वेट इट एंड वॉच इट, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, आई होप मजा आया होगा,
और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शन वगैरह आपको समझा दूंगा, बाकी चीज आपको मैंने बता दी है, ठीक है, बाकी चीज आपको पता चल चुकी है, फंक्शन समझा दूंगा, फंक्शन से भी आपको बहुत ज्यादा चीजें पता चल जाएगी कि भैया उसका फंक्शन क्या है। जैसे कि ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म करता है लीवर के अंदर, ग्लाइकोजन जो होती है ना उसकी मेटाबॉलिज्म करता है, उसके आधार पर होती है, फिर मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल को, सेल को फूटने से बचाता है, जाल है ना, जाल फैला हुआ है तो कैसे फूटने देगा सेल को, सेल को फूटने से बचाता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, एक्सचेंज ऑफ मेटेरियल, मेटेरियल का एक्सचेंज करता है, इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेल के अंदर के ट्रांसपोर्ट के लिए केमिकल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट, इंट्रा सेलुलर, इंट्रा मतलब सेल के अंदर और इंटर मतलब दो सेल में, ठीक है, ये पढ़ोगे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन एनवायरमेंट इकोलॉजी में, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन एनवायरमेंट इकोलॉजी में, वहां पे भी आएगी, इंटर मतलब बिटवीन, इंट्रा मतलब विद इन, ठीक है, बाकी आते हैं आगे, बाकी में आप पढ़ोगे कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी, सेलुलर मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिक सब्सटेंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिक सब्सटेंस में इन्वॉल्व है, उसके बाद स्टोरेज एंड सर्कुलेशन में इन्वॉल्व है, स्टोरेज सर्कुलेशन में इन्वॉल्व है, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मैंने बता दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सिंथेसिस करता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेन आपको ध्यान रखना है, और सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स जो मैंने आपको पढ़ा दिया, स्टेरॉइडल हार्मोन अभी दिखाया ना रफ स्मूथ वाले में, ये चीजें फंक्शन वगैरह है आपको ध्यान रखना है, बाकी मैं बता दूंगा। एंडोस्केलेटल फॉर्मेशन भी बोला जाता है, एंडोस्केलेटल फॉर्मेशन बोला जाता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करता है एक सेल से दूसरे सेल में, प्रोटीन सिंथेसिस कर रही है आपको बताया, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड कर रहा है आपको बताया मैंने, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडी, स्मूथ स्मूथ की एक चीज और लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडी, माइक्रोबॉडी मैंने पढ़ा था, याद है, याद है, याद है, माइक्रोबॉडी मैंने पढ़ाया था सेल के अंदर, जब मैं प्लांट सेल एनिमल सेल के डिस्क्रिप्शन कर रहा था, डिफरेंशिएट कर रहा था दोनों के बीच में डिफरेंस, तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडी बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोबॉडी, अब कौन कौन से है, पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, माइक्रोबॉडी कौन कौन से होते हैं, मैंने बताया था आपको कुछ, पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, ठीक है, और क्या है, लोमोसोम, याद है, कुछ कुछ मैंने बताया था, स्पेरोसोम, ये माइक्रोबॉडी है, इनकी फॉर्मेशन कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और माइक्रोबॉडी की बात करूं, स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, सबसे छोटे ऑर्गेनल, कोशिकांग मेम्ब्रेन से युक्त, मेम्ब्रेन युक्त, झिल्ली युक्त, सबसे छोटे कोशिकांग कौन होते हैं, यही होते हैं माइक्रोबॉडी, बाकी मैंने आपको पढ़ाया भी था प्लांट सेल में, डिफरेंस बताया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइक्रोबॉडी की फॉर्मेशन करते हैं, इतना आपको ध्यान है तो आपका काम हो जाएगा, बाकी फंक्शन वगैरह मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या है, ठीक है, बस, और गॉल्जी बॉडी भी बनाते हैं, ये जो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, ये नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो गॉल्जी बॉडी भी बनाते हैं, और गॉल्जी बॉडी क्या बनाती है, लाइसोसोम, सुसाइडल बैग है ना, हत्या की थैली उसको बनाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ओके बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और इसको रिवीजन करना है, ये आपको पता चल रहा होगा, बुक बुक में पढ़ना भी मत, मैं पहले बता दे रहा हूँ, कितनी बुक उठाकर दिखाऊं मैं और क्या क्या बताऊं, आप विश्वास करो, लेक्चर आ रही है, दिख रही है आपको क्या मैं दे रहा हूँ, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बात करता हूँ, जितना दे रहा हूँ वही पढ़ते जाओ, सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है, बाकी करंट अफेयर वगैरह कर सकते हो, बायोलॉजी भी क्या करना है, बायोलॉजी में कुछ ह्यूमन्स की स्पीसीज मिल जाती है तो उनमें क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपको लिखवा दूंगा लास्ट में, ठीक है ना, ह्यूमन स्पीसीज पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है, लापिता पीपुल, पता है लापिता पीपुल कौन है, लापिता पीपुल, लापिता पीपुल, किसी को पता हो तो लिखना कमेंट में, लापिता पीपुल, और भी कुछ आ जाते हैं मेंस में, प्री में क्वेश्चन आ जाते हैं बन के, कोई ह्यूमन के नए और वो मिल गया है ना, क्या कहते हैं, उनकी पूर्वज वगैरह मिल गया, तो ऐसा वगैरह क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, तो बाकी वो चीजें मैं बता दूंगा आपको लास्ट में जब ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो नियंडरथल क्या है, क्रो मैग्नन क्या है, इन चीजों की बात करूंगा, है ना, होमिनिस क्या है, इन चीजों की बात करूंगा मैं, क्रोमैग्नन नियंडरथल्स वगैरह के बारे में हम लोग बात करेंगे, और मॉडर्न होमो सैपियंस की बात करेंगे, और उससे भी ज्यादा आज आगे प्रिडिक्टेड है, आगे क्या आने वाला है ह्यूमन में, होमो सैपियंस, सैपियंस फ्यूचरालिस के नाम से जाना जाता है, होमो सैपियंस, सैपियंस, ठीक है, तो इनकी बातें मैं करूंगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, थैंक यू।